धन्यवाद सोलानी मैडम, समस्त प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया रो भाई भणी माने आपण जानते विगत वर्ष मध्य अव्यवस्था है धान किणार यही वर्ष तदरूप कि कदर्ज अवस्था नवेम्बर मासरु धान अमल हो सारी विगत दिन में टोकन इश्यू होता राज्य सरकार द्वारा जे मार्च पर्यंत धान किणा जाए विभिन्न पर्यायर विभिन्न लोग टोकन किणागला दिगला चाषी हताश हेले नवेम्बर में अमल होता धान को मार्च पर्यंत किमिति रखिए तेणु हताश हो किसी दलाल और किसी मिलर से माने शिकार हेले एवं बहुत कम दाम रे धान बिकवा को बाध्य हेले कहीं समय विवाह चलती अन्न्य खर्च अच्छी तेणु कम दाम रे से माने बिकवा को बाध्य हेले एवं जो मानकर टोकन पूर्व रे थिला माने डिसेंबर जनवरी रे से मानक धान मध्य बहुत धीरे धीरे किणा हला एवं जो मानकर किणा हेची एपरी कि डिसेंबर मास रे बिका हेतिबा धान रो मध्य किछि चासी टंका ए जाय पाई पर नहांती अत जो स्वच्छलता सहित धान किणवार व्यवस्था कर टोकन व्यवस्था कर सरकार कहते यहाँ केत दूर स्वच्छल आपण मैने पुनर्माने डिटेल मु कहला जानी अवश्य निश्चित भाव से मोर अनुभूति भारतीय जनता पार्टी अनुभूति मुझे आप सेयार करने चाहेबि या पूर्वर टे किणा बिकार विधि व्यवस्था भितर कह चाहिए धान किणवार पूरा खर्च केंद्र सरकार दौंस एमएसपी रे वर्तमान 1868 टंका एवं किणवापी मध्यस्थी होती राज्य सरकार जहाँ आरएमसी एवं लैंप्स दुईट विभाग से नियोजित होती लैंप्स एवं आरएमसी को पखापाखी ओडिशारु 250 कोटी लैंप को एवं 250 कोटी पखापाखी आरएमसी को कमिशन आकार दि जाऊँगी आरएमसी को जो मैंने दुटा मिसिक 500 कोटी पखापाखी वर्ष को दौंस केन्द्र सरकार भित्तिभूमि प्रयोग देवाई एवं किणा बिकायरे चाषी मानक सहायता करने आरएमसी रोल है जे मंडी रे सुव्यवस्थित बाउंड्रीवाल करेंगे कंक्रीट करेंगे गोडाउन तैयारी करेंगे सेड तैयारी करेंगे चाषी मान बस व्यवस्था करेंगे पानी बिजुलर व्यवस्था करेंगे किंतु गोटे दुटा मंडी को छाड़देले कौन सी मंडी एक प्रकार व्यवस्था ना खुला मैदान रे असुरक्षित भाव धान बस्ता गुड़ाक गदा हो तेणु एत टा आरएमसी को देवार माने कौन लैंप रो काम होची चासी करो धान को ठीक भाव में परखा परखी करी वजन करिवे किणवे एवं किणला परे से धान रो टंकाटा सांगे सांगे 24 घंटा भितर चासी को मिलवा कथा किंतु ये कौन करचंती वजन पाई मध्य कमिशन दिया जाउची लैंप को पखापाखी 37 टंका बस्ता को लैंप मिलूची जो थी 6 टंका पखापाखी होची वजन करे करापाई वजनटा दुई थरे हबो थोड़े चाषी आने की तार वजन करके अखाटा बाहर करके कथा एवं धान गदे की चली जावा कथा परवर्ती मुहूर्त मिलर ता निज अखा आणिकी धान भरिकी पुणी वजन करके निजे बोझे करके नवा कथा किंतु ये कौन बास्तव में चाषीर अखारे ही धान को छोट छोट गोटे मेसीन ओजन कर मान एक्युरेसी के ठीक से प्रश्नवाची एवं मिलर उठेकी नौ अखा को फेरू ना किंबा जो अखा बाबदे जदि प्लास्टिक अखा होते पखापाखि 10-12 टाँचा पड़ जाऊँ गोटे अखा आउ जदि जूट अखा हो 25-30 टाँचा हो जाटा से चाषी पाने एफएक्यू धान किणवापी व्यवस्थित होफएक्यू मान विगत दिन में ओडिशा सरकार लुचे रखुले चाषी को अवगत करूनते एफएक्यू धानटा कौन केन्द्र सरकार जो चाप पकेले जे चाषी को जब एफएक्यू धान मान कौन तुम्हें निर्धारित करना हम तो आम केन्द्र ओडिशार धान किणा बंद करदेबू तेणुक बाध्य गोटे गोटे पोस्टर लगेले जो पोस्टरटा मत एम जगार लगेले जो आप देखिपारे चाषी पढ़ी पारे कौटी लिखाई एफएक्यू विषय एफएक्यू रे मान हूँ एफएक्यू धान मान हूँ गोटे के जी पर्यंत मान क्विंटल गोटे के जी पर्यंत आपणकर बाली माटी गोड़ी पत्थर धूली गोटे के जी पर्यंत रही पार गोटे के जी पर्यंत काठी कुटा अगाड़ी पोल धान नष्ट आदि रही पार
पाँच के जी पर्यंत खराब बेरंगी पाणीफुला पोकखिया धान रही पार तीन के जी पर्यंत अपरिपक्व बंका संकुचित माने मला धान रही पार या सहित 17% माने गोटे क्विंटल 17 kg पर्यंत जलीय अंश रही पार किंतु वर्तमान जेहेतु धान अमल एदर थ्रेसर रे किंबा हार्वेस्टर हो तेणुकर बाली कटी काटी कुटा एगुड़ाक देखा मिलूनी क्वचित मात्रा रे पोलो रहुची एवं अपरिपक्व धान रहुची एवं वर्तमान जो धान किणा जाऊची तार मध्ये जलीय अंश 17% परिवर्ते 8-9 अति बेसी 11% जलीय अंश रहुची तामने आमे जदि एई जो अगाड़ी बाली गोटी पानी अंश मिसिकी 27% माने क्विंटल रे जो 27 kg रहिबा कथा रही पारिथांता जोटा निर्धारित ताठरु पाखापाखी पानी अंश रे ही 7-8 kg कम हो जाउची एवं अन्यान्य बाबद रे काटिकुटा बाबद रे जोटा 10 kg पाखापाखी रहिबा कथा सेथिरे 5-6 kg रु बेसी अधिक रहुनाय माने एई बाबद रे जदि गोटे असाधु चासी हेथांता ताहले सीए का केजीए बाली केजीए काटिकुटा भरिकी 27 kg पर्यंत अगाड़ी फगाड़ी पाणी फाणी भरिकी जदि सुखी जाइची धान से ओदा करिकी 17% पर्यंत नै आस्थांता चासी किया सेहा करूने चासी ईमानदारी सहित सुंदर धान आणिकी बिकुची एवं एई जो असाधु उपाय करथिले जो 12-13 kg अधिका पाइथांता सेटा भी करूने किंतु ता परिवर्ते चासी कोन पाउची मिलर हाथ रे ठेली दउचंदी विभाग एवं मिलर जेकोसी चाषी आपण भी जाइ पचारे जेकोसी मंडी को चाषी कहे आज्ञा से आरएमसी लैंप कहते तुम्हें मिलर सागर कथबार्ता होते कटाकटी हे धान एत सुंदर धान देलापर 12-13 kg लस देलापर मुझे चाषी ठार 2 kg रु 7-8 kg पर्यंत मिलर धान काटिक नौ जो चाषी जदि कटाकटी राजी होना धान उठूना एवं ये आ गोटे जो टोकन रे स्वच्छता कहते सरकार स्वच्छता कौन ये बहुत बड़ा प्रश्नवासी अच्छी कि जगार नवरंगपुर आपण मैंने खबर आपणम जना पड़ी आम भी निजे जाचु कि मिलर एवं किसी दलाल आजिकल ऑनलाइन रे पट्टा बाहरी जाऊ बलभद्र माँ पट्टा बाहर करके से जाकि गोटे फर्जी उपाय अवश्य से मानने नियमित उपाय ना निज को भाग चाष कह बलभद्र ना से धान बिकि सारा बलभद्र जिते जाऊँगी धान बिकवा को आरएमसी लैंप बाला कहते तुम ना तो धान विकास सर तुम पट्टे धान विकास सर आश्चर्य कदा खोलता है से चाषी हूँ जो गोटे जगार तार रेजिस्ट्रेशन अगर कौटे तार बैंक नुआर खोलिक एटीएम नुआर बाहर करें जड़े दिज एम डी सस्पेंड होती जथेष नुह कहीं ए मिलर मान संपुक्त अच्छा अतए से मानकर धान प्रथम उठीगला जो माने फर्जी शेयर क्रपर भाग चाषी हिसाब से निजक फर्जी रजिस्ट्रेशन करते से ही मिलर माने जो माने असाधु उपाय धान बिक्र व्यवस्था करते धान उठीगला वर्तमान सुधा आज मध्य पड़ी रही चाषी धान हजार हजार गोटे गोटे मंडी में हजार हजार 5,000-10,000 क्विंटल कम ना नवरंगपुर अन्न्य जिला प्रदेश अन्न्य जगार तो यही जो व्यवस्था करिबा कथा सरकार एफिक्यू पाई से आपण जंत्रपाति पाइबे नि बुढ़ा जगार एफिक्यू धान केमती निर्धारित करा जाए मेसीन ही रखि नहांती किंतु कही दउछन त मिलर सांगे सलाह सुतरा हो केते कटाकटी हबा तुम बुझ यही अखा फेरेबा कथा धान चासी जाए कि धान अजाड़ी देकि फेरेबा कथा अखा सेटा होने एमिती जो अव्यवस्था चली कि 2 तारीख रे भारतीय जनता पार्टी आम कि नेतृवृंद जाइलु नंदाहांडीर सरुगुड़ा लैंप को मंडी को एवं जगन्नाथपुर मंडी को सरुगुड़ा मंडी रे सरकारी अफिसर बेसरकारी भाव में कहीदे ये महामंडी लगे जिते धान अच्छी नहीं आस 60,000 क्विंटल गोटे मंडी को आसीगला जगन्नाथपुर मंडी को 22,000 क्विंटल धान आसीगला तापर आरएमसी और लैंप बाला से देखा ना कड़े छू परवर्ती मुहूर्त जिते पचरागला जे कलेक्टर कहते आम जानू महामंडी विषय महामंडी विषय जान ठीक अच्छे ताल ये अफिसर गले कड़े से कथबार्ता है जना पड़ा जे ना 2 तारीख में आज्ञा संजय दास वर्मा योजना बोर्ड उपाध्यक्ष आसरंगपुर ठारे गोटे
କୃଷକ ସୂଚନା ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅଫିସର ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଧାନ କିଣିବା ମୁଖ୍ୟ ନୁହଁ, ଧାନ କିଣିବା ୟାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ନୁହଁ। ପ୍ରଣବ ଦାସ ଯିବେ ସେଠିକି ସୂଚନା ମଣ୍ଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା, ସେଇଟା ପ୍ରାଥମିକ। ତା ପାଇଁ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ଯାକର ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିଲେ ଏଠି ଆମେ ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଯିବା ତାହେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା, ଯେଉଁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଆଗରୁ କିଛି ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଟୋକେନ୍ କେବେ ଆସିବ। ଯାହାର ଟୋକେନ୍ ଆସିଛି ତା'ର ଧାନ କେବେ ଉଠିବ, ଯାହାର ଧାନ ଉଠିଛି ତା'ର ପେମେଣ୍ଟ କେବେ ମିଳିବ, ଏତିକି ସୂଚନା ମାଗିବା। ଏତିକି ସୂଚନା ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ସେଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଥିଲେ, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସବୁ ଜାତିର, ସବୁ ବିଚାରଧାରାର, ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରାର, ବିଜେଡ଼ି, କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି, ଚାଷୀ ବି ସେଥିରେ ଥିଲେ। ଆମେ ଯାଇକି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଥିଲା ସେଇଠି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଇକି ବସିଥିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଇଆଇସି ଆସିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିଲୁ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଟିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଥିଲା। ସେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କାହିଁକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି? ଉଠନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କହିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ ବେସରକାରୀ ହୋଇଗଲୁ? ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ, ଆମେ ବେସରକାରୀ, ଆମେ ଏଠି ରହିବା ମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ? ନା ନା, ଆମେ ସେଇଆ କହୁନୁ, ଆପଣ ଏଠି ବାଧା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଭଲ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ କ'ଣ ଖରାପ କରୁଛୁ? ଆମେ ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର କିଛି ସୂଚନା ମାଗୁଛୁ ଯେ ଏଇ ସୂଚନା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଗଲା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ପ୍ରଣବ ଦାସ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସହସ୍ରାଧିକ, ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଅଧିକ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ହାତରେ ବିଜେଡ଼ି ପତାକା ଧରି, ବିଜେଡ଼ି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଜିନ୍ଦାବାଦ କହିକି ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବସିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୌରୀ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଗୌରୀ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ମୋତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇକି ପୁରା ଏଇ ପ୍ରକାରେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଘଟି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଗୁହାରି, ଆପଣ ବିଜେପି ନେତା, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସରକାରୀ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ବିଜେପିର କୌଣସି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେନି? ବିଜେପି କ'ଣ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି? ବିଜେପି ସେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି? ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ, କାହା ସାଥିରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି? କାହାର ମତାମତ ନେଇକି ସେ ବାହାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ? ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସରକାରୀ ପଦପଦବୀରେ ରହିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପକ୍ଷପାତ କରିକି କାହା ସାଥିରେ କଥା ହେବେନି, କାହା ସାଥିରେ କଥା ହେବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ କେଉଁ ଦଳର, ତେଣୁ ହଠାତ୍ ପଚାରିଦେଲେ ସେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେଇଆ ହିଁ ସେ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ତାପରେ ପଛରୁ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ, କର୍ମୀମାନେ ଠେଲା ଠେଲି କରିକି ସେଇଠି ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ, ସେଇଠି 70-80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଥିଲେ, ସେଠି ST SC OBC ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଥିଲେ। ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ, ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରଣବ ଦାସ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝୀ ଯିଏକି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ST କମ୍ୟୁନିଟିର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାତ ଠେଲା ମାରିକି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନାହିଁ, ମୋ ବି ଚଢ଼ି ଚାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠେଲା ପେଲା କରିକି ଯାଇକି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମପ୍ରଭାବ, ବିଜେଡ଼ି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାଁ ଲାଗୁଥିଲା।